काम करना है तो सुतरा करना है प्रॉपर करना है और सीखना है सीखेंगे सिर्फ दराज के प्लेटफॉर्म से ऊपर तो हमने फिगर आउट किया दरास का ऑफिस यार ये हाइपर स्टार के पीछे एग्जैक्टिव सेंटर है सो फोर्टीन फ्लोर पर बैठते हैं अब मैं ऐव ही मुँह उठा के अपने भाई को मैंने साथ को बिठाया बाइक पे और हम अपनी खटपट फटपटी पट, पट, के अंदर गए वहाँ पर रोकी बाइक और हम जा रहे हैं गार्ड ने मुझे रोक लिया गेट के ऊपर के भाई कहाँ जाना है तो अब बताना तो खा फ्लोर तो याद था लेकिन किसी से मीटिंग अलाइन नहीं तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि यार आ, उसामा से मिलने जाना है अपना ही नाम ले दिया सही उसने लाओ भाई ला शनाख्ती कार्ड लाओ शनाख्ती कार्ड दिया हम फोर्टीन फ्लोर जा रहे हैं अब टांगे काप रही हैं हाथ काप रहे क्या जाके क्या होना है हाँ। वहां गया तो रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया कहाँ जाना है अगेन वही पैंतरा अकेला कि भाई उसामा से मिलने जाना है ठीक है आप वेट करें मैं बुलाती हूँ ये सुन के हम शौक गए कि यार वाकई कोई उसामा है अंदर ये ये अल्लाह तला ने हमारा साथ दिया निकल गए ऐसे ही मतलब

तो मैंने कहा मेरा नाम भी उसामा है और हमारी कॉल पे बात हुई थी तो इसे अब उनकी इतनी सारी मीटिंग चलाएं अच्छा तो ठीक है मुझे याद तो नहीं आ रहा चलें आप अंदर तो आए बात करते हैं वो मुझे मीटिंग रूम ले गए मैंने साथ की तरफ देखा साथ में मेरी तरफ देखा उस अंदर तो आ गए <laughs> अब इतना कर लिया तो कुछ ना कुछ बेच के जाएंगे सही उनको अंदाजा हो गया था इतने लोगों से डील करता उनका अंदाजा हो गया था कि कोई एम ही बंदा है ये फेंका पाखिया कर रहा है इसको कटाने वाली करो तो उन्होंने कहा कि यार हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कम से कम दस आर्टिकल होने चाहिए और हर आर्टिकल के पीछे दो सौ पीसेस होने चाहिए जो तो आप बेचना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म पर राइट सही है तो हमने जब इतनी बात है झूठ बोल दिया था मैंने कहा यार हाँ ये भी है सही है वहां से पकड़ लिया उसने उसने कहा ठीक है मैं इंस्पेक्शन टीम भेजूंगा अपनी और वो आपके इंस्पेक्ट करेगी आके अब बैंक अकाउंट में पांच हजार रुपये पड़े हुए नहीं है और हमने कहा वहाँ पास दस टी शर्ट्स हैं और दस टी शर्ट्स के अगेन हमारे पास जो है ना दो दो सौ पीसेस हर हर टी शर्ट के दो सौ तो अभी कमेंट करके आ गए उसने कहा कब आएगी तो उसने फॉर्म हम भरवा दिया हमसे सब कुछ हो गया उसने कहा यार अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरने हमने ऑनलाइन फॉर्म पूरा बैठ के भरा अभी दो दिन बाद मुझे याद पड़ रहा दो दिन बाद कि हमारी टीम आपके पास इंस्पेक्ट करने आएगी ठीक है मैं आपको एड्रेस व्हाट्सअप कर दूंगा यहाँ से जाने के बाद सही अब साथ बोल रहे भाई क्या किया कहाँ से पैदा करेंगे दो सौ टी एक, एक, एक आर्टिकल की मैंने कहा इतना कर लिया ना ये भी हो जाएगा फिर अब हम गए रैक सेंटर उस वक्त रैक्स वाले के लिए आप ये समझें जिस तरीके से वास्को डे के लिए अमेरिका अजीब सा था ना कि जब उसने डिस्कवर करने से पहले उसको नहीं पता था क्या है इसी तरीके से रैक्स वालों के लिए बिल्कुल अनजान बात थी कि ऑनलाइन टी शर्ट्स बिकती हैं हाँ 2014-15 की बात कर रहा डाला बेटा नहीं होनी वहां पे एक लड़का था सलमान मेरा हम उम्र था उसने मेरी बात समझी उसने बोला ठीक है यार मैं ये कर सकता हूँ मैंने कहा सिर्फ इंस्पेक्शन करने जब टीम आएगी ना तो चेरी चेयर पे मैं बैठ जाऊंगा इतनी सी देर के लिए ये काम करना है और अगर तुम बोलोगे मैं तुम्हें पर सेल कमीशन दूंगा तो मैं वो भी देने के लिए तैयार की टीम आई रिव्यू करने के यार हमारे पास अब मैं बैठा हूँ सलमान बोल रहा, रहा चाय तो लेकर <laughs> ले को <laughs> हाँ। तो वो वो सब अप्रूव करके चले गए और हमारी दराज के ऊपर शॉप खुल गईन सिक्सटीन सही मार्च तक हमारे पास दराज के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं है पप्पा को भी मंजन भेज दिया गया अब हो जाएगा अब गेम ऑन हो जाएगा उनको भी समझा रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा पैसे भी डूबे जा रहे हैं और वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा तो मार्च के अंदर अल्लाह ताला ने एक और हमारे लिए भेजा अनदिलीप जहरा आई मुझे उनका भी नाम याद है फैशन की वो आ, होती थी कैटेगरी कैटेगरी मैनेजर सही तो उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट बहुत टाइम से डेट पड़ा हुआ है इसको रिवाइव करते हैं इसको ऑन करते हैं आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं तो मैंने कहा यार हम तो बैठे हैं वहाँ पास ऑर्डर ही नहीं आता हम कैसे स्केल करेंगे वहां से गेम ऑन होना शुरू हुआ क्योंकि अब पीछे बैक्ट आ गई

सेल स्टार्ट होनी है नवंबर का जो लास्ट फ्राइडे होता है ना ब्लैक फ्राइडे उस दिन डेट मेरे जहन में नहीं क्या थी नहीं। मैंने अपने फादर के दोस्त से उधार लिए अच्छा खासा पैसे ये बहुत बड़ा रिश्ता मेरे लिए उस वक्त अब हम रेडी हैं कि हमें सेल लाइव होनी है बारह बजे रात को तो हमने कहा कि उस वक्त मेरा कज़न भी मेरे साथ होता था तो मैंने कहा यार हम दोनों बैठे हैं मैं अपने भाई से बोला तुम घर चले जाओ हम रात तक जो सुबह तक ऑर्डर आएंगे ना वो हम लेबल उसके निकाल के प्रिंट करके रखेंगे तुम सुबह आके उसको शिप कर देना सुबह हम सो जाएंगे इस तरह प्लानिंग थी सही तुम्हें तो दस्ता खान पे बैठे हुए खाना खा रहे थे गए रिफ्रेश करके बैठा था मैं दस्तक खान पे खाना खा के मैं उठा हूँ मैंने रिफ्रेश किया है हमारे पास पंद्रह सौ ऑर्डर थे जो मुझे याद हैं पंद्रह सौ ऑर्डर और उसके बाद मैं पैनिक मोड में था कि ये एकदम क्या हुआ है कोई कोई ग्लिंच तो नहीं है अब रात बारह बजे भी है हमारा मेट्रा मैनेजर भी जवाब नहीं दे रहा सारे बिजी हैं वहाँ पे तो मैंने कहा यार आ तो गए अब तो प्रिंट तो करने अब प्रिंट करने में बैठ गए मैंने साथ को बोला कहाँ पहुंचे कह रहा आधे रास्ते में मैंने कहा वापस आ जाओ <laughs> ये ऑर्डर्स आ गए हमारे पास इसको फुलफ़िल करने सही तो आई रिमेंबर नेक्स्ट तीन घंटे के अंदर वी गॉट कोई तीन थ्री टू फोर थाउजेंड ऑर्डर्स और हमने शॉप डीएक्टिव की क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी सारा मैं पैक कर रहा हूँ फिर ती, तीन हज़ार ऑर्डर हमने सम हाव हमने मैनेज किया दो दिन के अंदर फिर हमने ऑन कर दी इस तरीके से कर करके वी है मैनेज टू आई थिंक क्लोज आई थिंक वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज डेढ़ करोड़ की सेल एग्जैक्टली एक दिन में तीन दिन तीन में। दिन में कहा okay, दो दिन में एक ऑर्डर कैसे आना हाँ भाई क्या है भैया पेंडेमिक के बाद समझ आ गई होगी डिजीज ट्रांसमिशन कितना बड़ा मसला है लेकिन कोविड से दस गुना ज्यादा हेपेटाइटिस पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलता है तो भाई उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है जब आप गाई की दुकान पे जाते हैं तो आप, आपके ऊपर जो चीजें यूज होती है जो औजार यूज होते हैं उससे फंगल इन्फेक्शन स्किन डिजीजेस और हेपेटाइटिस भी हो सकता है खुदा खुदाना खास बोलेंगे यार जुनिदाई आपका नाइस से क्या काम ईद वाले दिन भी मीम बना रहे थे सब बाल कर अच्छा तो बन तो बनवाईन टेम्फा वालों ने बहुत अच्छा आपका तो है ना भाई टू कैरी लेके आराम से दुकान पर जाए सेहत का ख्याल रखें खुदाना खास मोहलिक बीमारी अगर लग गई तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे थोड़ा सा खर्चा कर लें अपनी सेहत का ख्याल करें और बाय द मेंस ग्रूमिंग कोई बात ही नहीं होती तो मेंस ग्रूमिंग का भी बड़ा जबरदस्त सामान टेम्फा की वेबसाइट अवेलेबल, फॉरन जाए स्वाइप करें और एंजॉय करें फॉरन से मंगाएं। अगर आपने पे किये, तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा कर, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया